Hello students, today we are going to start our new unit. Here the first topic is characterization of polymer. So first of all, there are various methods of characterization of polymers and different methods are given in your syllabus. But first of all, see what is the characterization of polymer. Polymer characterization is the process of determining the size, structure and physical properties such as thermal and mechanical properties of polymeric materials. It is the process of determining size, structure and physical properties of polymer. The identification of the mass, morphology and molecular structure of the polymeric material. Here both type of polymers are included, that is synthetic and natural polymer, is termed as polymer characterization. Overall, it is the study of polymer in the point of view of size, structure, physical properties, and mass and morphology of the given polymer. It is called as characterization of polymer. There are different methods of characterization of polymer. Types of characterization that are mechanical characterization, surface and molecular characterization, then interfacial characterization, thermal characterization. So in your syllabus you have thermal characterization, that is techniques for thermal characterization. Thermal characterization also have a different varieties, that is differential scanning colorimeter, which is called TSC, differential thermal analysis DTA, thermomechanical analysis TMA, thermogravimetric analysis TGA. When a matter is heated, it undergoes certain physical and chemical changes over a wide range of temperatures. जैसे temperature change होता जाता है, वैसे वैसे उस given matter में क्या होता है, changes होते जाते हैं. Heat बढ़ती गई कि उसके properties में क्या होते जाता है, changes हो जाता है. By measuring the temperature at which such changes takes place, we can characterize the compound present in the material. कौन से टेम्परेचर में कौन सा चेंज वो मटेरियल में हुआ है, उससे हम वो मटेरियल का कैरेक्टराइजेशन डिसाइड कर सकते हैं. थर्मल एनालिसिस टेक्निक आर दोज इन विच अ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल आर मेजर्ड एज फंक्शन ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर. थर्मल मैकेनिकल टेक्निक है, इसलिए टेम्परेचर के हिसाब से उसमें गिवन मटेरियल में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज में, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या चेंजेस हो रहे हैं, वो हम इस टाइप के टेक्निक में देख सकते हैं. सो पहले देखते हैं TGA, दैट इज थर्मल ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, वो क्या है. TGA कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट फिजिकल फिनोमिना सच एज वेपराइजेशन, सब्लिमेशन, एब्जॉर्प्शन, एडसॉर्प्शन एंड डिसऑप्शन. इसकी सभी की स्टडी इसके अंडर में आती है TGA. लाइकवाइज TGA कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट केमिकल फिनोमिना, केमिकल फिनोमिना के बारे में भी बताया, सच एज कीमोजॉर्प्शन, डिकम्पोजिशन, रेडॉक्स रिएक्शन. ये भी प्रॉपर्टीज इसके अंडर में आती है TGA के. थर्मल मेथड इन्वॉल्व्स फोर टेक्निक्स. ये थर्मल मेथड है, इसमें भी और फोर टेक्निक्स है, दैट इज थर्मल ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, डेरिवेटिव थर्मल ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, डिफरेंशियल थर्मल ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री. ये सभी आते हैं इसके अंडर में. तो पहले देखेंगे TGA, दैट इज थर्मल ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस क्या है. इट इज अ टेक्निक इन विच अ चेंज इन वेट ऑफ अ सब्सटेंस इज रिकॉर्डेड एज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर और टाइम एट अ कंट्रोल रेट. इसमें ऑब्जर्वेशन करना है ये टेक्निक में कि टेम्परेचर के हिसाब से सब्सटेंस के वेट में क्या चेंजेस हो रहे हैं. दिस एनालिसिस रियलाइज ऑन अ हाई डिग्री ऑफ प्रेसिजन इन थ्री मेजरमेंट्स, वेट, टेम्परेचर एंड टेम्परेचर चेंज. ये तीन पॉइंट पर डिपेंड करती है ये टेक्निक.
कि वेट कैसे हो रहा है, चेंज हो रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, टेम्परेचर और टेम्परेचर चेंज मीन्स कौन से टेम्परेचर पे क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो ये जो एनालिसिस टेक्निक है उसकी प्रिंसिपल्स क्या है वो देखते हैं। चेंज इन द मास ऑफ अ सैंपल आर स्टडीड व्हाइल सैंपल इज सब्जेक्टेड टू प्रोग्राम। मास या वेट में क्या चेंजेस हो रहे हैं उसको हम नोटिफाई करेंगे इस टेक्निक के अंडर में। सेकेंड, चेंजेस इन द टेम्परेचर अफेक्ट द सैंपल। टेम्परेचर वेरिएशंस हो रहा है तो उसका सैंपल के ऊपर में क्या इफेक्ट हो रहा है। द वेट लॉस ऑफ द सैंपल इंडिकेट सम चेंजेस इन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सैंपल। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाएगा वैसे वैसे उसका वेट कम ज़्यादा होते जाएगा, तो वो वेट लॉस कम होते जाएगा तो वो जो वेट लॉस है वो होने के बाद गिवन सैंपल्स के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या चेंजेस आते हैं वो हमें इस टेक्निक से नोटिफाई करना है। सो दिस टेक्निक हैव एन इंस्ट्रूमेंटेशंस। उसका इंस्ट्रूमेंटेशन कैसे रहेगा फिर। द बेसिक इंस्ट्रूमेंटल रिक्वायरमेंट इन TGA आर थर्मोबैलेंस देन हीटिंग डिवाइस लाइक फर्नास, सैंपल कंटेनर, प्रोग्रामर एंड रिकॉर्डर। ये इसके इंस्ट्रूमेंटेशन है जो डायग्राम में दिखाए हैं। बेसिक इंस्ट्रूमेंटेशन है क्या है, थर्मोबैलेंस है डायग्राम में, उसके बाद हीटिंग डिवाइस लाइक फर्नास, देन सैंपल कंटेनर, देन प्रोग्रामर एंड रिकॉर्डर। ये सब इसके थर्मोबैलेंस है, उसके बाद हीटिंग डिवाइस लाइक फर्नास, ये है जो इसमें फर्नास है जो हीटिंग डिवाइस है, सैंपल कंटेनर यहाँ पे सैंपल रखा जाएगा, प्रोग्रामर एंड रिकॉर्डर, ये सभी इसके इंस्ट्रूमेंटेशन है। थर्मोबैलेंस फैसिलिटीज फैसिलिटेट द डिटर्मिनेशन ऑफ टेम्परेचर एट विच अ मटेरियल ऑफ रिकॉग्नाइजेबल स्टोकियोमेट्री इन इज प्रोड्यूस। तो इसका जो प्रिंसिपल है या इसका जो मेन फंक्शन वो क्या है कि गिवन टेम्परेचर पे गिवन मटेरियल में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं वो देखना इसका फंक्शन है। इसका वर्किंग कैसे रहता है देखते हैं। सैंपल इज प्लेस इन अ शैलो प्लैटिनम क्रिसिबल दैट इज कनेक्टेड टू एन ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग माइक्रोबैलेंस। जो सैंपल कंटेनर है वो माइक्रोबैलेंस से कनेक्टेड रहेगा, यहाँ पे रखा जाएगा एक शैलो प्लैटिनम क्रिसिबल में। वेयर देयर इज अ चेंज इन वेट द बैलेंस बीम विल डेविएट फ्रॉम इट्स यूजुअल पोजिशन। इसको फर्नास में रखा है सो टेम्परेचर दे रहे हैं, हीट कर रहे हैं गिवन सैंपल को, ऑब्वियसली इसके वेट में क्या आएंगे चेंजेस आते जाएंगे, जो चेंज आएगी तो जो वेट है उसके बैलेंस में क्या आएंगे डेविएशंस आएंगे। अ सेंसर विल डिटेक्ट दिस डेविएशन, जो भी डेविएशन आएंगे वो क्या करेगा सेंसर क्या करेगा उसको डिटेक्ट करेगा डेविएशन एंड इनिशिएट अ फोर्स दैट विल रिस्टोर द बैलेंस टू द नल पोजिशन। इसकी पोजिशन भी क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी अगर एकदम ही सैंपल के वेट में सैंपल का वेट लो हो जाएगा। दिस रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन वेट, और जो भी रिस्टोरिंग फोर्स आ रहा है वो प्रोपोर्शनल टू द वेट मीन्स जितना वेट लॉस हुआ है उतना ही वो प्रोपोर्शन करेगा रिस्टोरिंग फोर्स से। तो ये सभी इंस्ट्रूमेंटेशन है, सिंपल इंस्ट्रूमेंटेशन है और इसका ये वर्किंग है।